जुज नंबर 23 वमा लिया, ये भी सूरह यासीन का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि सूरह यासीन जो पिछले जुज में शुरू हुई थी और ये यहाँ पर शुरुआत में खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। छोटी सूरह है लेकिन सारी वहदानियत पर मुश्तमिल है। अब ये जो हम किस्सा देख रहे हैं कि तीन जो अंताकिया में ये तीन रसूल आए, पहले दो रसूल आए, उन्होंने जब दो को झुठला दिया तो फिर तीसरे रसूल से अल्लाह सुबहान तआला ने उनकी बात को और मजबूत करने की कोशिश की कि तीसरा रसूल भी जाए और उनकी बात के ऊपर क्या करे, उनकी गवाही दे दे कि वो जो दो रसूल आए हैं वो बिल्कुल हक लेकर आए हैं। तो जब इन्होंने तीसरे को देखा तो कहा कि तुम तीनों के तीनों क्या हो, हमारे लिए मनहूस हो, और अगर तुम बाज नहीं आओगे तो हम तुमको संसार कर देंगे। तो चौथा शख्स जो कि ईमान वाला आदमी था, तो वो उसने क्या किया, इनकी बातों की तस्दीक की और कहा कि इनकी बातों को मान लो, ये तुम्हारे हक में बड़े खैर ख्वाह होकर आए हैं। वमा लिया लाबुदुल्लजी फतरनी व इलैही तुरजाऊन, आखिर क्यों ना मैं उस हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। यानी कि वो शख्स क्या कह रहा है कि जरा दलील तो देखो, तुम अपने अपने आप पर गौर तो करो कि तुम्हें तुम्हारे रब ने पैदा किया, मुझे भी मेरे रब ने पैदा किया, तो मैं कैसे उस रब का नाशुकरा हो जाऊं जिसने मुझे तख्लीक किया है, जिसने मुझे पैदा किया है। तो जो रब पैदा करता है मैं उसका कैसे नाशुकरा हो सकता हूँ, कैसे उसकी उसकी माबूदियत को कबूल ना करूं, क्या मैं इसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूं। हालांकि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना उनकी शफाअत मेरे किसी काम आ सकती है और ना वो मुझे छुड़ा ही सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं सरी गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। अभी वो जो शख्स था जिसके दिल में अल्लाह सुबहान व तआला ने ईमान की रोशनी जगा दी थी, तो वो जो चौथा शख्स था वो ईमान ले आया इनकी बातों पर, और ये लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम जो है ईमान लेकर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा रब ही है जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुम उसके फरमाबरदार हो जाओ। आखिरकार उन लोगों ने उसे कत्ल कर दिया और उस शख्स से कह दिया गया कि दाखिल हो जा जन्नत में। अब ये जो शख्स था, इसने जब इन्होंने रसूलों ने जो दावा किया था, अब ये ईमान लेकर आया, तो इन्होंने फौरन उसको क्या किया, संसार कर दिया या किसी तरीके से उसको कत्ल कर दिया, और फौरन अल्लाह सुबहान तआला ने उसको क्या कर दिया, जन्नत में डाल दिया। क्यों जन्नत में डाल दिया होगा, क्योंकि वो शहीद था ना, अल्लाह सुबहान तआला के हक में, राह हक में वो शहादत पा चुका, तो वो उसकी बरजा की जिंदगी नहीं है, वो डायरेक्ट कहाँ गया, जन्नत में चला गया। दाखिल हो जा जन्नत में, उसने कहा काश मेरी कौम को ये मालूम होता कि मेरे रब ने किस चीज की बदौलत मेरी मगफिरत फरमा दी और मुझे बाइज्जत लोगों में दाखिल फरमा दिया, अल्लाह के मुकर्रब बंदों में वो शामिल हो गया। अब वो वहां से हसरत कर रहे हैं, वो शख्स जिनको जन्नत में डाल दिया गया, वो कहते हैं कि काश इनको खबर होती कि अल्लाह ने मुझे कितना सुरखरू कर दिया। उसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई लश्कर ना उतारा, हमें लश्कर भेजने की कोई हाजत भी ना थी। यानी कि वो जो लोग कह रहे थे कि भाई कुछ चीज हमें निशानी दिखा दी जाए, या ये जो जन्नत में चला गया है इसके ऊपर कोई गवाही अल्लाह सुबहान व तआला फरिश्तों की भेज देता, तो अल्लाह को जरूरत नहीं थी। जो काफिर है वो काफिर ही मरे, जो ईमान नहीं लाना चाहते वो ना लाए। अल्लाह सुबहान व तआला गैब के ऊपर कोई फरिश्तों के लश्कर नहीं भेजा करते कि तुम फरिश्ते देख देख कर ईमान लाओ। बस एक धमाका हुआ और यकायक वो सब बुझ कर रह गए। अब धमाका क्या है, एक बहुत बड़ी डांट इनके ऊपर पड़ी, इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदा। अब वो जो अजाब के फरिश्ते आते हैं, तो वो फरिश्ते वो कोई दलील के फरिश्ते तो आए नहीं, अजाब के फरिश्ते आ गए। अब अजाब का एक फरिश्ता वो भी है जो जोर से डांटता है, जैसे कि अब देखे वालदैन किस तरीके से डांटते हैं, तो बच्चे एकदम सहम कर रह जाते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं और उनको वालदैन डांटते हैं जोर की आवाज में, उसी तरह एक फरिश्ता भी है जो अजाब का फरिश्ता है जो डांटता है, तो उस डांट और सहा और वो जोर की आवाज इतनी सख्त होती है कि इंसान की रूहें कब्ज हो जाती हैं, उनकी दम निकल जाते हैं। तो उनको के ऊपर तो एक जोर की डांट पड़ी और वो क्या हो गए, सारे के सारे क्या क्या सारे के सारे क्या हो गए, नेस्तो नाबूद हो गए, और सारे के सारे वहीं के वहीं हलाक कर दिए गए। क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके हैं,
अफसोस बंदों के हाल पर जो रसूल भी उनके पास आया उसका वो मजाक ही उड़ा रहे होते हैं। क्या उन्होंने देखा नहीं है कि उनसे पहले कितनी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं और उसके बाद वो फिर कभी उनकी तरफ पलट कर ना आए। इन सबको एक रोज हमारी तरफ पलटना है, सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे। इन लोगों के लिए बेजान जमीन एक निशानी है, हम उसको जिंदगी बख्शते हैं और उससे गल्ला निकालते हैं। ये खाते हैं हम, उसमें से खजूरें और अंगूरों के दरख्त निकालते हैं और इसके अंदर से चश्मे फोड़ निकालते हैं ताकि ये इसके फल खा सकें। ये सब कुछ इनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है, बल्कि ये सब अल्लाह ने पैदा किया है। फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? पाक है वो जात जिसने जुमला अकसाम के जोड़े पैदा किए, ख्वा वो जमीन की नबातात हो या खुद इनके अपनी जिन्स यानी नोए इंसानी में से भी, या उन अशिया में से जिनको ये जानते तक नहीं है। अल्लाह सुबहानहु ताला ने हर चीज को जोड़े में पैदा किया, हर हर चीज जो है अल्लाह सुबहानहु ताला ने क्या किया है उसको जोड़े बनाए है। जैसे इंसान का जोड़ा है मर्दो जन का जोड़ा है, जानवरों में भी हुआ करता है, इसी तरह दरख्तों में भी मर्दो जन के जोड़े हुए करते हैं, फूलों में आप जानते हैं कि नर और मादा होता है, और जो परिंदे होते हैं उनमें होता है नर और मादा, यहाँ तक कि अल्लाह सुबहान तआला ने बेजान चीजों को भी जोड़ों में पैदा किया। जैसे रात और दिन है, सूरज को चांद के साथ बना दिया, इस तरीके से अल्लाह सुबहान तआला ने जोड़े बना दिए। तो एक अल्लाह ही की जात है जो कि वित्र है, वाहिद है, अकेली है, बाकी हर चीज को अल्लाह ने जोड़ों में पैदा किया है। इनके लिए एक और निशानी रात है, हम उसके ऊपर से दिन हटा देते हैं तो इन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज वो अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये जबरदस्त अलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है, यानी अल्लाह सुबहान तआला ने उसको जिस तरीके की साइकिल अता कर दी है तो इस हिसाब से वो जो दिन और रात होते हैं तो 365 दिनों का एक वो क्या बन जाता है, साल बन जाता है, और 24 घंटे का एक दिन बन जाता है। तो ये सारी साख क्या है, अल्लाह सुबहान तआला ने उनके अंदाजे और उनके जो महवर है उनको मुकर्रर किया हुआ है। और चांद उसके लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि उनसे गुजरता हुआ वो फिर खजूर की सूखी शाख के मानिंद रह जाता है। यानी जिस तरह से सूखी हुई शाख कैसी पतली सी हो जाती है जो बिल्कुल सूख जाती है, अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया कि चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी। अब देखिए यहाँ पर भी अल्लाह सुबहान तआला ज्योग्राफी हमें पढ़ा रहे हैं, क्या कि चांद जो होता है घटता बढ़ता है, उसका शेप तब्दील होता है, जो कि हमने बचपन में पढ़ा था कभी कि चांद छोटा बड़ा होता रहता है, वो कभी पूरा हो जाता है, फुल मून होता है, फिर वो घटना शुरू होता है, फिर 14 दिन में जाकर फिर से वो पूरा हो जाता है, एक दिन आता है कि वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला ने कहा कि उसकी मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं जिससे इंसान तारीखों का भी पता लगाता है, और दूसरी और भी चीजें हैं जो चांद के जरिए से होती हैं। चांद की रोशनी से इंसान अपनी मतलब जो होती है उससे इंसान रास्ते दुनिया में तलाश करता है, और बहुत सारी चीजें चांद की रोशनी से ही फल पका करते हैं, और भी बहुत सारा कुछ होता है जो अल्लाह सुबहान तआला ने इसके फवायद रखे हुए हैं। तो कोई चीज बेमानी बेफायदा नहीं पैदा की गई है। इसी से मद्दो जजर जो होता है, जो हाई टाइड लो टाइड होती है, वो चांद ही के जरिए से होती है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें। तो ये सारी चीजें अल्लाह सुबहान तआला ने एक अंदाजे पर मुकर्रर कर दिए हैं, सबको एक एक क्या कर दिया है, एक सबका टाइम मुकर्रर कर दिया, सबको एक दिन दे दिया, उसका हिसाब किताब अल्लाह सुबहान तआला ने फिक्स कर दिया है, जिसके आगे पीछे वो लोग नहीं किया करते। ना सूरज के बस में है कि वो चांद को जा पकड़े, और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती है, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। अब ये चीज भी अल्लाह सुबहान तआला ने बता दी कि चांद जो है अल्लाह सुबहान तआला ने उसको एक महवर अता किया है, एक उसका ऑर्बिट है जिसके अंदर वो घुमा करता है जमीन के अतराफ। तो ये यहाँ पर वो बात भी वाजे हो गई कि अल्लाह ने उसको एक एक जो महवर दिया है वो उसी पर निकल घूमता रहता है, और सबकी जो वक्त है उनको मुकर्रर किया है, कोई आगे पीछे नहीं करता। अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फ्रैक्शन का भी और कम कर लिया जाए, अगर इतना सा भी आगे पीछे उनका निजाम हो जाए, यानी कि चांद और सूरज जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की भी दूरी से जल्दी निकल आए या देर से निकल आए, तो पूरी दुनिया की दुनिया जो आसमान है और यूनिवर्स है सारा का सारा तबाह और बर्बाद हो जाएगा।
अल्लाह सुबहानो ताला ने उनका जो अंदाजा दिया हुआ है, अगर उसके अंदर जरा सी भी कोताही हो जाए तो सारे सैयारे और सितारे जो हैं वो आपस में टकरा जाएंगे, और टकराने के बाद सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होगा जिसकी वजह से सब कुछ जल के खाक हो जाएगा। तो अल्लाह सुबहानो ताला ने यहाँ पर उसके अंदाजे इसीलिए मुकर्रर किए हुए हैं। इनके लिए ये भी एक निशानी है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार कर दिया। ये कौन सी नस्ल है? नूह अलैहिस्सलाम की। और फिर उनके लिए वैसी ही कश्तियां और पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। फिर बाद में फिर ये रिवाज आम हो गया कि इंसान कश्तियां बनाने लगा। नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली मर्तबा बनाई, फिर इंसान ने इसको अपना जराए अबलाग जराए माज बना लिया, इस कश्ती को तिजारत का जरिया बना लिया। हम चाहे तो इनको गर्क कर दें, कोई इनकी फरियाद सुनने वाला ना हो और किसी तरह ये ना बचाए जा सकें। बस हमारी रहमत ही है जो इन्हें पार लगाती है और एक वक्त खास तक जिंदगी से मुतमत्ता होने का यानी फायदा उठाने का मौका दे दिया गया है। आयत नंबर 45। इन लोगों से जब कहा जाता है कि बचो उस अंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है और तुम्हारे पीछे गुजर चुका है, शायद कि तुम पर रहम किया जाए, तो ये सुनी अनसुनी कर देते हैं। इनके सामने इनके रब की आयात में से जो आयात भी आती हैं, ये उसकी तरफ इल्तिफात नहीं करते। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रिस्क तुम्हें अता किया है उसमें से कुछ खर्च करो, अल्लाह की राह में भी खर्च करो, तो ये लोग जिन्होंने कुफ्र किया ईमान लाने वालों को जवाब देते हैं, क्या हम उन लोगों को खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो बिल्कुल ही बहके हुए लोग हो। यानी अल्लाह सुबहान तआला अपने आप को खुदा कहता है और फिर हमसे कहता है कि लोगों को खिलाया जाए, वो अगर चाहता तो खुद ही खिला देता, हमसे क्यों कहा जा रहा है कि खिलाया जाए, अगर वो रब है तो वो खुद खिला दे। नऊज़ु बिल्लाह, ये कैसी कैसी बातें अल्लाह की जात पर गड़ा करते थे। कोई कह रहा है फकीर है, कोई कह रहा है कि अल्लाह हमसे कर्ज मांगता है, कोई कह रहा है कि अल्लाह खुद खिला देता, हमसे कह रहा है खिलाने के लिए, और ये असल में खुद बहके हुए लोग हैं जो ऐसी बातें किया करते हैं। आयत नंबर 48। ये लोग कहते हैं कि ये कयामत की धमकी आखिर कब पूरी होगी, बताओ अगर तुम सच्चे हो। दरअसल ये जिस चीज की राह तक रहे हैं वो बस एक धमाका है जो यकायक उन्हें इस हालत में धर लेगा जब ये अपनी दुनियावी मामलात में झगड़ रहे होंगे, और उस वक्त ये वसीयत तक ना कर सकेंगे, ना अपने घरों को पलट सकेंगे। फिर एक सूर फूका जाएगा और यकायक ये अपने रब के हुजूर पेश होने के लिए अपनी अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे। यानी पहला जो धमाके की बात हो रही है वो पहले सूर की बात हो रही है, जब कयामत आएगी और सब जिस जगह होंगे वो अपने घर तक ना पहुंच सकेंगे। ऐसा बुरा धमाका होगा कि सारे के सारे जहां हैं वहीं कहीं वहीं फना कर दिए जाएंगे। जब दूसरा सूर फूका जाएगा सारे लोगों को जिंदा करके दोबारा अल्लाह की तरफ पलटाया जाएगा। फिर एक सूर फूका जाएगा और यकायक ये अपने रब के हुजूर पेश कर दिए जाएंगे, अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे, घबरा कर कहेंगे अरे ये किसने हमें अपनी ख्वाबगाहों से यानी कि हमें अपनी कब्रों से जगा कर उठा दिया। यानी कि ख्वाबगाह यानी कि हम बिस्तरों पर सो रहे थे और किसने हमें जगा दिया है, ये किसने इतना शोर किया जिसकी वजह से हमारी आंखें खुल गई हैं। ये वही चीज है जिसका खुदाए रहमान ने वादा किया था और रसूलों की बात सच्ची थी। एक ही जोर की आवाज होगी और सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। अब वो जोर की आवाज कैसी होगी, वो फरिश्ते की चिंगाड़ होगी या सूर किस तरीके का होगा जिसके मारे डर के सारे फौरन अल्लाह की तरफ लपक पड़ेंगे, दौड़ पड़ेंगे। जिस तरीके से अभी हमने कहा था कि जैसे वालिदैन जब जोर से चिल्लाते हैं जब या टीचर जोर से चिल्लाती है तो कैसे स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, और कुछ भी कर रहे हों कितना भी मशगूल हों जब टीचर की आवाज जोर से होती है तो बच्चे अलर्ट हो जाते हैं और बिल्कुल वही बात करने लगते हैं जो टीचर चाहती है। तो यहाँ पर भी जब सूर फूंक दिया जाएगा तो कोई कुछ बेइख्तियार तौर पर सारे के सारे अल्लाह की तरफ दौड़ पड़ेंगे। आज किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म ना किया जाएगा और तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे तुम अमल किया करते थे। आज जितने भी जन्नती लोग होंगे वो मजे में मशगूल होंगे, वो और इनकी बीवियां घने सायों में मसनदों पर यानी के ऊंचे ऊंचे तख्तों पर और थ्रोन्स पर बैठे हुए होंगे, तकिए लगाए हुए होंगे, हर किस्म की लजीज चीजें खाने पीने को उनके लिए वहां मौजूद होंगी, जो कुछ वो तलब करेंगे उनके लिए हाजिर है। रब रहीम की तरफ से उनको सलाम कहा जाएगा। सुभान अल्लाह,
अल्लाह सुबहाने तआला की जात आला और बटर वो इन लोगों को जन्नतियों को अल्लाह सुबहाने तआला अल्लाहुम्मा रब्बना अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम अल्लाह सुबहाने तआला उन लोगों में हमें शामिल फरमा जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत सलाम करेंगे। तो अल्लाह सुबहाने तआला सलाम उन लोगों को करेंगे, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, तुम्हारे रहीम रब की जानिब से तुम पर सलाम होगा। आयत नंबर 58। और ए मुजरिमो आज तुम छट कर अलग हो जाओ, अल्लाह सुबहानहु ताला इस दिन की रुसवाई से बचा लेना जिस दिन अल्लाह सुबहानहु ताला कहेंगे वमताजुल अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमो अलग हो जाओ छट जाओ, अल्लाह सुबहानहु ताला हमें उस दिन नेकोकारों में शामिल फरमा देना। ए मुजरिमो आज के दिन तुम छट कर अलग हो जाओ, आदम के बच्चों क्या मैंने तुमको हिदायत ना की थी कि शैतान की बंदगी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी ही बंदगी करो, ये सीधा रास्ता है, मगर इसके बावजूद उसने तुम में से एक गिरोह कसीर को गुमराह कर दिया, क्या तुम्हें अकल नहीं थी, ये वही जहन्नम है जिससे तुमको डराया जाता रहा था, जो कुफ्र तुम दुनिया में किया करते हो रहे हो उसकी पादाश में अब इसका ईंधन बन जाओ, यानी कि तुमको इसका फ्यूल बना दिया जाता है। देखिए एक होती है आग, आग तो जल रही है, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल जिससे आग को भड़काया जाता है, जलती हुई आग को मजीद दहकाया जाता है। तो अल्लाह सुबहानहु ताला कहेंगे कि तुमको उसका ईंधन बनाया जाएगा, आग नहीं बल्कि तुम्हें उसका फ्यूल बना दिया जाएगा ताकि आग जो है वो मजीद भड़क उठे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आज हम इनके मुंह बंद किए देते हैं, इनके हाथ हमसे बोलेंगे और इनके पांव गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कमाई करते थे। उस दिन अल्लाह सुबहानो ताला मुंह जबानों को सील कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ बोलने वाले जो बदन के आजा हैं सब बोल उठेंगे सिवाय उसकी जबानों के, और सबसे पहले जो हिस्सा बोलेगा वो रान का जो ये थाए वाला हिस्सा है वो सबसे पहले इस इंसान के खिलाफ गवाही देगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा हिस्सा है जिसको इंसान खुद भी बमुश्किल देखता है ना, ये सबसे छुपी हुई चीज है इंसान के जिस्म की, हाथ पैर देख लेता है इंसान, अपने अपने चेहरे को भी कई मर्तबा देख लेता है, सारी चीजें देख लेता है, जो ये थाए का हिस्सा होगा सबसे पहले वो गवाही देगा कि इसने कितने अल्लाह सुबहान तआला की नाफरमानियां की, कितना जुर्म किया। अल्लाह सुबहान तआला कहेंगे कि आज तुम्हारा बदन का जर्रा जर्रा क्या है गवाही दे रहा है तुम्हारे खिलाफ, और उस दिन जबानों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और गवाह हर इंसान का हर आजा बन जाएगा। अल्लाह हमें महफूज रखे, अल्लाह सुबहान व तआला हमारी जबानों से वही कलमात निकलवाए जो अल्लाह सुबहान व तआला के हम्द सना के हो, और फजूल लगवियात से अल्लाह सुबहान व तआला हमें परहेज करने की तौफीक अता फरमाए। हम चाहे तो इनकी आंखें मूंद दें फिर ये रास्ते की तरफ लपक कर देखें, कहां से उन्हें रास्ता सुझाई दे, हम चाहें तो उन्हें इनकी जगह ही पर इस तरह मसख करके रख दें कि ये ना आगे चल सके ना पीछे पलट सके। जिस शख्स को हम लंबी उम्र देते हैं उसको उसकी साख को हम उल्टा पलट देते हैं, क्या ये हालात देखकर उन्हें अकल नहीं आती, यानी कि उन तुम्हें नहीं पता कि जितनी तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है तुम फिर से बच्चों की तरह होते जा रहे हो, तुम्हारी अकलें कम होती जा रही है, तुम्हारी ताकत तुम्हारा जौफ बढ़ता जा रहा है, तुम्हारी ताकत कम होती जा रही है, और तुम दिन ब दिन कमजोर पर कमजोर होते चले जा रहे हो, तो तुम्हें इन बातों से भी अकल नहीं आती कि हम जब और ज्यादा लंबी उम्रें पाएंगे तो क्या होंगे, और ज्यादा मोहताज हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजील उम्र से पना मांगी है, ऐसी उम्र जिसमें इंसान दूसरों का मोहताज हो जाता है। अल्लाह सुबहान तआला हमें भी ऐसी उम्र से पनाह में रख कि जिस दिन हम किसी के मोहताज हों। अल्लाह सुबहान तआला अपना मोहताज रखे और इंसान हर इंसान को हर मोमिन बंदे को चलते हाथ पैर अपनी तरफ बुलाए। हमने इस नबी को शेर नहीं सिखाया और ना शायरी इसको जेब ही देती है। अब देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायरी का ये मामला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर कह ही नहीं सकते थे, एक एक वो बात ठीक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकफियत रखते थे, लेकिन जो फनी वाकफियत है जो उसके बहर है जो औजान है उससे बिल्कुल भी, यानी सुनते रहते थे क्योंकि वो माहौल ही ऐसा था जिसमें शेर वगैरह कहना बहुत आम था, लोग कहा करते थे शेर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उसके औजान वगैरह से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे, यानी जो एक उसकी बहर होती है काफिये होते हैं रदीफ होते हैं औजान होते हैं उससे बिल्कुल ना वाकिफ थे। एक मरतबा क्या हुआ था कि एक छोटा सा वाक्य है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
शेर कहने लगे, और शेर कहते कहते जो उसका जो वजन था बिल्कुल अलग सा बिठा दिया, यानी कि वो शेर जमा ही नहीं। जब एक जैसा होता है ना कि जब कहे तो उस शेर में हुस्न पैदा होता है, बैलेंस होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर कहा और वो बिल्कुल डिसबैलेंस शेर कहा, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो थे मुस्कुरा उठे और क्या कहने लगे, मैं अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूल, मैं गवाही देता हूँ कि आप जो हैं अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, क्योंकि आपको शेर नहीं आता कहने, और बेशक अल्लाह कहता है कि मेरा जो नबी है वो शायर नहीं है। तो इस बात से भी ये गवाही मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायरी से ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दिलचस्पी थी, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर कहना ही अच्छी तरह से उसके फन से वाकिफ थे। और हमने इस नबी को शेर नहीं सिखाया और ना शायरी इसको जेब देती है, ये तो एक नसीहत है और साफ पढ़ी जाने वाली किताब है, ताकि वो हर उस शख्स को खबरदार कर दे जो जिंदा हो और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। जिंदा हो कैसा जिंदा हो, जिसका दिल जिंदा हो, जिसका दिल जावेद हो, जो नसीहत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, जिसके कान और जिसकी आंखें खुली हो, जो नसीहत को देखता हो, जो नसीहत को सुनता हो, उसको दिले जिंदा कहा गया है। और वो जिसका दिल मुर्दा है, यानी कि जो नसीहत को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दे, तो उसके दिल क्या है, मुर्दा है। क्या ये लोग देखते नहीं है कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से इनके लिए मवेशियों को पैदा किया है, और अब ये उनके मालिक बन बैठे हैं। हमने उन्हें इस तरह इनके बस में कर दिया कि उनमें से किसी पर तो ये सवार हो जाते हैं, यानी कि जैसे घोड़ा है और गाय वगैरह, इस पर ये सवार होते हैं तो वो सवारी का काम देते हैं, और किसी का ये गोश्त खाया करते हैं, अल्लाह सुबहान तआला ने जो चौपाए हलाल किए हैं उसमें से ये गोश्त भी खाते हैं, और उनके अंदर इनके लिए तरह तरह के फवायद और मशरूबात हैं, ये इससे दूध निकालते हैं, और जानवरों में से कुछ जानवर है जिनका शहद हम खा रहे हैं, कोई मतलब वो तो हशरा वो हो गए, कीड़े मकोड़े उनमें से आ गया, लेकिन जानवरों में से कुछ जो मशरूबात हैं, दूध वगैरह है, कुछ जो है फवायद देते हैं, जैसे खाल है उसके जरिए से हम चमड़ा वगैरह बनाते हैं, उससे शूज बनते हैं, लेदर जैकेट्स वगैरह बनती है, सारे वो चीजें जो सर्दी के जो ऊन का इस्तेमाल किया जाता है भेड़ वगैरह से, तो वो सारा अल्लाह सुबहान व तआला ने इनके लिए क्या कर दिया, इन जानवरों को मसखर कर दिया। अगर आपने देखा होगा कि कोई जानवर जब के बिदक जाता है, या कोई ऐसा जानवर हो जाता है जो कंट्रोल में नहीं आता है, वो चाहे कितना भी पालतू हो, तो फिर अल्लाह सुबहान व तआला जब तक उसको कंट्रोल में ना कर दे वो नहीं कंट्रोल में आता, और जब अल्लाह सुबहान व तआला ने उनको मसक्कर कर दिया तो वो अपनी गर्दनें दे देते हैं कि आओ हमें हमें जिबा कर दो और तुम अपना हम अपना हम अपने इस्तेमाल के लिए गोश्त निकाल लो। तो इस तरीके से अल्लाह सुबहान व तआला ने तुम्हारे लिए इन मवेशियों को मसक्कर कर रखा है। फिर क्या ये शुक्रगुजार नहीं होते, इतनी इतनी नेमतें देखते हैं फिर भी नाशुक्रे बने हुए हैं। ये सब कुछ होते हुए उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा बना लिए हैं, और ये उम्मीद रखते हैं कि इनकी मदद की जाएगी, वो इनकी मदद नहीं कर सकते, बल्कि ये लोग उल्टे उनके लिए हाजिर 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 बाश लश्कर बने हुए हैं। अच्छा, जो बातें ये बना रहे हैं वो तुम्हें रंजीदा ना कर दें, इनकी छुपी और खुली सब बातों से तुम्हारा रब वाकिफ है, हमको सब की खबर है, यानी अल्लाह सुबहान तआला सब जानता है, इनको इनके करतूतों का बदला दे दिया जाएगा। क्या इंसान देखता नहीं है कि हमने उसे नुतफे से पैदा किया और फिर वो सरी झगड़ालू बन गया, यानी इंसान के देखें साख है ना, जो मिट्टी वाली साख है, तो वो कैसी है, झगड़ालू, उसके अंदर जौफ भी है कमजोरी भी है और वो सरासर झगड़ालू है, अल्लाह सुबहान ताला की जात तक से लड़ लेता है, अल्लाह से लड़ लेता है, कोई जरा सी अगर तकलीफ आती है तो अल्लाह के ऊपर ब्लेम डाल देता है, उसके ऊपर सारी वो चीजों के बबाल डाल देता है, जैसे शैतान ने किया था, अगवाई तनी तूने मुझे गुमराह किया तो अब मुझे मोहलत दे, तो अल्लाह सुबहान ताला के ऊपर सारी चीजों की वो डाल देता है, और अल्लाह से झगड़ रहा था ना जैसे शैतान, तो इंसान भी वैसे ही अल्लाह से झगड़ता है कि तूने मेरे साथ ये क्यों किया, मैं तो इसका अहल नहीं था, मुझ पर ये कयामत क्यों टूटी, अल्लाह से झगड़े करता है, तो ये सख्त झगड़ालू है। अब वो हम पर मिसालें चस्पा करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है, कहता है कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा, अब ये जबकि ये बोसीदा हो चुकी होंगी, उससे कहो उन्हें उन्हें वही जिंदा करेगा जिसने पहले उनको पैदा किया था, और वो तखलीक का हर काम जानता है, वही जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा की,
तुम देखते हो कि आग के जब तुम छालों को उनको रगड़ते हो, जब वो दरख्त में, आपने देखा होगा कि जंगलात में जो आग लग जाती है वो कैसे लगती है, कोई जाता है वहां पर क्या माचिस की तीली लेकर चला गया और आग लगा दी, या किसी ने लाइटर जला दिया हो, ऐसा तो नहीं होता। जो जंगलातों में आग लगती है वो कैसे लगती है, यही दरख्त के जो पत्ते आपस में रगड़ पैदा होती है उसकी वजह से वो आग पैदा हो जाती है। और इसी से इंसान ने क्या किया, आग लगाना जब पहली मर्तबा सीखा था तो उसी से ही सीखा था ना, कि उसने पत्थरों को रगड़ा और उससे चिंगारी पैदा हुई और उसने आग लगाना सीखा। तो हरे भरे दरख्तों के आग पैदा कर देता, और तुम इससे अपने चूल्हे रोशन कर लेते हो, क्या वो जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया इस पर कादिर नहीं है कि इन जैसों को पैदा कर सके, क्यों नहीं, जबकि वो माहिर खलाक है। खलाक जो है फाल पैटर्न पर है, फाल जो होता है किसी भी चीज की सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि उसके अंदर ताकीद होती है, एम्फेसिस होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि कज़्ज़ाब, और जैसे हम्माल जो हमल उठाने वाला, तो वो उसी का या तो वो पेशा होता है उस चीज का या फिर वो उस चीज में माहिर होता है। तो माहिरीन को कहा, माहिरीन जो होते हैं ना किसी भी चीज के, उसको फाल पैटर्न पर डाला जाता है। तो ये खलाक फाल पैटर्न पर, यानी तखलीक में सबसे माहिर है, यानी उससे बेहतरीन तखलीक कोई कर ही नहीं सकता और उस जैसा तखलीक कार कोई हो ही नहीं सकता। तो वो खलाक है, वो तो जब किसी चीज का इरादा करता है तो उस काम का बस यूं, उस काम का इरादा करता है तो बस ये क्या, ये के हुक्म उसको दे देता है, कुन हो जा, तो वो हो जाता है। पाक है वो जिसके हाथ में हर चीज का मुकम्मल इक्तदार है और उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। अल्लाह सुबहानहु तआला की जात की तरफ ही सबने पलटना है और उसी की तरफ पलट कर सब बंदों को हिसाब किताब देना है।